लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ गए हैं और औद्योगिक नगरी कानपुर में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने जीत का पताका फहराया है और ये कह सकते हैं इस जीत के साथ ही हैट्रिक बन रही है। अब जी जनता ने जो आपको निर्णय सुना दिया है, अब गिफ्ट के रूप में मिल गए जी, तो अब ऐसे में रिटर्न गिफ्ट के रूप में क्या देंगे जनता को आप? देखिए, जनता को मैंने पहले भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए, उसी माननीय प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम कानपुर को विकसित, कानपुर का एक चाहे मेरा सपना है बल्कि सबका सपना है कि कानपुर विकसित हो, तो उसी विकसित कानपुर के सपने के साथ हम लोग काम करेंगे कि कानपुर का इतिहास गौरवशाली और वैभवशाली रहा, उसी गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास को वापस लाना है। कानपुर कभी भारत का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, कानपुर बड़े 5 बड़े शहरों में शामिल था, कानपुर का नाम देश और दुनिया में था, यहाँ की मिल्स हो चाहे यहाँ का ग्रीन पार्क हो, पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध था। आज वो मिल्स बंद हैं, उनको कैसे वापस किया जाए, कैसे उनका स्वरूप चेंज किया जाए, कैसे कानपुर के ग्रीन पार्क में दोबारा मैच हो, यहाँ का पर्यटन, यहाँ मेडिकल, यहाँ शिक्षा, तमाम क्षेत्रों में काम किया जाएगा और यातायात की एक विशेष समस्या है उसका भी समाधान किया जाएगा। और मैं कानपुर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने अपना अमूल्य वोट तो दिया ही, साथ में बहुत सहयोग किया, मन से किया सर, तो इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। और इस वादे के साथ कि कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव लाने के लिए मैं हर प्रयास करूँगा, ये मैं आपसे बता। भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीदें थी, चाहे यूपी की बात करें या देश की, उन उम्मीदों से विपरीत परिणाम आए जो उम्मीदें जताई जा रही थी, ऐसे में कानपुर की जीत आपकी है, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस जीत का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म देना चाहता हूँ, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहता हूँ कि उनके बदल उनकी जो नीतियाँ थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकास की नीतियाँ थी, जनहित जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, इनके बदौलत आज हम लोगों को वोट मिला। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर वोट आया, यही कारण था कि कानपुर के आम जनमानस ने हर व्यक्ति के मन में मोदी जी थे, मोदी जी के मन में कानपुर थे और उसके आधार पर उन्होंने वोट दिया। और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर के विकास के लिए सोचेंगे और जैसा कि मैंने पहले कहा, कानपुर के विकास के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी हम लोग विकास के प्रस्ताव ले जाएंगे वो कानपुर के लिए निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इसलिए मेरा पूरा इस जीत का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कानपुर की जनता को और साथ में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, दिन रात एक करके मुझे चुनाव लड़ाया। हमारे साथी सुरेश अवस्थी जी बैठे हुए हैं, दिन रात लगे हुए थे हमेशा चुनाव में, इन्होंने घर नहीं देखा, रात रात भर काम करते रहे। इस तरह हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष दीपू पांडे जी हैं और तमाम हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता सुबह से लेके और अभी तक मतगणना, पूरे मतगणना में कई कार्यकर्ताओं ने तो खाना नहीं खाया, बोले मैं खाना तभी खाऊंगा जब आपकी जीत घोषित हो जाएगी। तो एक इमोशनल रूप से वो चुनाव लड़े, पूरा हर व्यक्ति चुनाव लड़ा, यही कारण है कि आज कानपुर में एक बड़ी जीत हुई। और आप देखें जो वर्तमान एक माहौल है कि कुछ राजनीतिक दलों ने हमारे मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया, वो कुछ हद तक अपना सफल हुए, इसलिए परिणाम हमारे अपेक्षित नहीं आए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जनता का निर्णय है, जनता जनार्दन करना है, हम लोग को स्वीकार है, आगे फिर हम लोग जनता के लिए काम करेंगे, फिर मुझे पूरा भरोसा है कि वो फिर हमारे साथ देंगे। देखा जाए तो पूरे प्रदेश में और देश में लीड कम हुई हर जगह, लाखों की लीड हजारों में आ गई, तो क्या लगता है इस बार के जो पंचवर्षीय होंगे इसको फिर लाखों में लाने को ऐसा प्रयास होगा? बिल्कुल लाएंगे, मैंने कहा कि नहीं, कुछ राजनीतिक दलों ने हमारे कुछ आम जनमानस को यार हमारे जो वोटर्स हैं उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया और वो उसमें कुछ हद तक सफल आए, उसी के परिणत है कि वो वोटर हमारा दिग्भ्रमित हुआ और वो दूसरी जगह उसने वोट किया, जिससे हमारा जीत का अंतर कम हुआ, हमारे कई जगह प्रत्याशी हार भी गए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये राजनीति है, इसमें जीत और हार चलती रहती है। हम लोग हमेशा, मैं हमारी पार्टी का ये विजन है कि हम लोग इस पे नहीं जाते कि कौन मैं जीता है कौन हारा, हम लोग जनमानस के लिए काम करते हैं, जनता के हितों के लिए काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री दिन रात जनता के लिए सोचते हैं, उनका सपना है कि विकसित भारत बने, हर व्यक्ति अंतिम व्यक्ति के आंखों में चमक हो, यही उनका सपना है, चाहे देश के लिए हो चाहे सनातन के लिए हो, वो दिन भर सोते हैं, वही कारण हम लोग जनता के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। जीत और हार उसका कोई अंतर नहीं, कम जीत हो या बड़ी जीत हो, जीत जीत होती है और कानपुर की जनता ने मुझे यहाँ पे
जिताया है, उन्होंने अपना वोट दिया है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। जिन्होंने वोट दिया है मैं उनके साथ भी हूँ, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनके साथ ही हूँ। कि आज उन्होंने हो सकता है मुझे वोट नहीं दिया, कल वो मैं उनके साथ रहूँगा, उनके लिए काम करूँगा, कानपुर का विकास करूँगा। तो मुझे पूरा भरोसा है अगली बार इन्होंने इस बार मुझे जितने जिताया हो सकता है अगली बार मुझे वो लाखों से जिताए, वही लोग मेरे साथ हैं। ये राजनीति में चलता रहता है, इसका कोई खास फर्क नहीं। तो ये थे भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद रमेश अवस्थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी प्राथमिकता कानपुर के विकास के लिए काम करेंगे और जो कानपुर का पुराना वैभव खोया है और उसके मैनचेस्टर के लिए काम करेंगे। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।